हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा क्राउन पब्लिकेशन का तीसरा सेट शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पहला और दूसरा सेट का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं। जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल थे। कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे तथा जैमिनी उत्तर मीमांसा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदायों में स्थानक वासी या ढूंढिया प्रसिद्ध हैं। सूची एक को दो के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के बारे में एरियन तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा है, तो ए का हो जाएगा दो, सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, तो बिंदुसार का बी का हो जाएगा तीन, अमित्रघात। अशोक, अशोक के बारे में अशोक को प्रजाहित में कार्य करने के कारण अधिकांश लेखों में देवनाम प्रियदर्शी प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक सी का हो जाएगा एक, प्रियदर्शी। चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, तो डी का फोर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12, ऑप्शन बी हो जाएगा 12। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इस तरह ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच एक अंग्रेज यात्री था तथा अकबर के काल में भारत आया था। यह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा है। फिंच के अनुसार आगरा बड़ा शहर था। फतेहपुर सिकरी आगरा से भी बड़ा था और दोनों आबादी तथा आकार में लंदन से भी बड़े थे। उसने गुजरात में सती प्रथा का वर्णन किया है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में सिखों के प्रभावशाली राणा रणजीत सिंह हुए। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी उतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, जो अल्पायु था। रानी झिंदन इसकी संरक्षिका थी। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में इन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध सबसे पहले जो है अंबर का युद्ध लड़ा गया था, जो 1749 ईस्वी में था। इसके बाद अंबर के युद्ध के बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के बाद जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, तो ये गलत है और जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड या सर की उपाधि सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वापस कर दिया था।
निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे एक समाज सेवक भी थे जो लोकनायक नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कौल है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु जो है पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित गौरा माता या गुहार मोती है, जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में स्थित किबिथू है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक में है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो चोटी जो है दुद्दा बेटा है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। इसकी सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं जुड़ती बल्कि भूटान एवं बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न है। तो टोटल 7 राज्यों से, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी, ऑप्शन सी होगा ताप्ती। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाण सागर, ऑप्शन डी होगा। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 30 वृहद 135 मध्यम तथा 3000 लघु बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसमें इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बर्गी वृद्ध बांधों की श्रृंखला में शामिल है, जबकि बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है तथा इससे लाभान्वित जो राज्य है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट में, ऑप्शन बी होगा तमिलनाडु तट। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। स्थानांतरण कृषि का नाम और किस राज्य से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए देखिए पोंडू उड़ीसा, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद मासा हिमाचल प्रदेश, तो ये जो है गलत है क्योंकि मासा जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं है, मासा मध्य प्रदेश से है। तो जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए बैलाडीला मध्य प्रदेश, तो ये गलत है। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ की हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलाडीला। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर बेंगलुरु एवं नागपुर में हैं। 1948 ईस्वी में इस संस्था की जो स्थापना हुआ था। कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो ये सही है। थुम्बा केरल में, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में, तो ये गलत है। और जो गलत है वही सही है क्योंकि आपसे पूछा ही गलत गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑस्ट्रेलिया की। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आइसलैंड, ऑप्शन बी होगा आइसलैंड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बर्लिन राइन नदी के किनारे, तो ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन जो जर्मनी में है, तो बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है।
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा में ब्रिटिश शासन 1886 ईस्वी में अधिकार स्थापित हुआ था। इसे 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 ईस्वी में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में ऑप्शन में जो दिया गया है, संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी कथन सही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार ऑप्शन डी को सही माना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। लोकसभा के कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में दो बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छः माह से जो कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम दो सत्र होने चाहिए। सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। किसी भी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का विशिष्ट महत्व होता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग भारत के राजनीतिक दलों को तीन स्तर पर मान्यता देता है। पहला स्तर जो है राष्ट्रीय दल, दूसरा प्रांतीय दल, तीसरा पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? राजस्थान में। ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गलत कथन को चुनना है, ऑप्शन ए देखिए। दक्षिणी वायु सेना कमान तिरुवंतपुरम, तो ये सही है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, ये भी सही है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, तो ये गलत है और आपसे पूछा ही गलत गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, कूचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश के। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तोरा के नाम से जाना जाता है। IMF के HDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्दा को 2016 से जोड़ा गया है? रोन मिनवी को, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोन मिनवी। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद आप सही उत्तर मिला लीजिएगा, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।
पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन महिला 2 दिनों बाद कार्य छोड़ देती है। एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेंगे? 31/7 दिन में। किसी आयत की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी को 3 सेकेंड में तय करता है तो किलोमीटर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? 54 किलोमीटर पर घंटा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 5/3 गुना है और सी का वेतन बी के वेतन से 2/3 गुना है तो ए और सी का अनुपात क्या है? 5:2। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी? 4 वर्ष में। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है अनुकुंचन। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। दोस्तों आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन है 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप सही आंसर जो है माइंड में सोचिए। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 में से आपका आंसर कितना रहा कमेंट करके बताइएगा। आपने 100 में से कितना करेक्ट किया? सूर्य का समीपतम ग्रह है, सूर्य का जो सबसे समीप सबसे नज़दीक जो है कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? दिया था आइंस्टीन ने। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब कभी मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, लगभग जो है कितना है? तो 1/81। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है और द्रव्यमान जो है 1/81 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि कौन है? जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण होता है दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच के साथ पानी अम्लीय माना जाता है और 7 से अधिक पीएच के साथ क्षारीय माना जाता है। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वीडल एवं टेटम ने। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से गुजरने पर। मानव शरीर में आहार भोजन जो है मुख्यतया कहाँ पचता है? छोटी आंत में, ऑप्शन बी होगा छोटी आंत। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो यह एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 ईस्वी में पाउली के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पाउली। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा करनाल। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? आँख का, ये जो है आँख का रोग है। एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका जो प्रोफाइल होगा कैसा होगा? ऑप्शन डी होगा, इस टाइप का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है? संपीड़न गैस को छोड़ने, कमरे को जो है ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़न गैस को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंथोबिया निम्न का डर है? एंथोबिया जो है किस चीज़ का डर है? तो पुष्पों का एंथोबिया, एंथोबिया का डर जो है पुष्पों का डर है। साइनोफोबिया कुत्तों का डर, पायरोफोबिया अग्नि का डर। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? शिंजो आबे। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? उत्तराखंड। द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 15वां राष्ट्रपति, ऑप्शन डी होगा 15वां। IMF के हालिया अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 2022 से 23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है? 7.4%। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? राजस्थान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी होगा स्कॉटलैंड। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है? 15%। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? हरियाणा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख में, ऑप्शन बी होगा लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लीज ट्रॉस को। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। ONDC ने संस्थाओं के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा SBI। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता को, ऑप्शन बी होगा कोलकाता। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है, ऑप्शन में नहीं है लेकिन राजकुमार राव को बनाया है। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? 25%, ऑप्शन सी होगा 25%। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात में। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है?
INS वागीर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? INS मुर्मुगाओ किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना, ऑप्शन बी होगा अर्जेंटीना। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? सरगम कौशल। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, जो पहली बार 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? सारण। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? दरभंगा। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई? कोसी नदी। किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। हायरिंग मोबाइल ऐप 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? 9, ऑप्शन सी हो जाएगा 9। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिहार दरोगा क्राउन पब्लिकेशन का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पहला और दूसरा सेट कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है, तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।